तो स्वागत है मोटर डेस्क कटोनी से एपिसोड नंबर 76 में। और दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश क्योंकि आज जो हमने ड्राइव रिव्यू किया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी का था। अगर आपने नहीं देखा है, मतलब मैंने अपलोड नहीं किया है, बट इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने कुछ डाला है उस गाड़ी से रिलेटेड। अगर आपको जानना है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी गाड़ी का रिव्यू किया है। और बस अभी बहुत कुछ हो गया, बातें हमारी तरफ से जो कुछ भी आने वाला था उसकी अभी बात कर लेते हैं। ऑटो इंडस्ट्री की तो बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की भी ऑटो न्यूज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो आज की पहली न्यूज़ है वो है ऑफकोर्स स्कोडा की तरफ से। स्कोडा कुसा जो है उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ कस्टमर्स ने जैक हॉलिस को टैग करके ट्विटर पे पूछा कि ये हम इतने ज़्यादा पैसे क्यों पे कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी क्या मिल रही है। तो जैक हॉलिस जी का जवाब आया कि हम ग्लोबल SEPA में भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरी तरफ से गारंटी है कि ये जो गाड़ी है कुसा वो सारे सेगमेंट के अंदर सबसे सेफेस्ट कार होने वाली है। तो देखते हैं और सच में होगी क्योंकि स्कोडा जो है वो एकदम प्रीमियम ब्रांड है और उसकी प्राइसेस तो ऑफकोर्स हाई होने ही वाली थी, मुझे पता ही था। मैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 10.5 लाख एक्सोरूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और अभी ये भी पता चल गया है कि सारे सेगमेंट के अंदर सबसे सेफेस्ट होने वाली। और दोस्तों आज की जो दूसरी न्यूज़, मतलब ये जो न्यूज़ है वो है ओला वालों की तरफ से, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। ये जो ओला की नई आने वाली स्कूटर जो है, पहली स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो रिवील हो चुकी है, CEO की तरफ से ही रिवील हुई है। वो एक छोटी सी ड्राइव ले रहे थे अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की और वो वीडियो वायरल हो चुका है। वायरल तो नहीं बट ऑफिशियली उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो ऑफिशियली ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो रिवील हो चुका है और जैसे कि मेरे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये 2-3 हफ्तों के अंदर ये जो ओला इलेक्ट्रिक है ये आपको दिख जाएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं, अभी लॉन्च में ही पता चलेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो है टाटा वालों की तरफ से। मैंने पिछली ऑटो न्यूज़ में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, बट मैंने पिछली ऑटो न्यूज़ में बताया था कि टाटा वाले अल्ट्रोस और नेक्सोन का ब्लैक एडिशन, मतलब डार्क एडिशन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में है। अभी इसकी जो ऑफिशियल डेट्स जो है वो आ चुकी है कि 7 जुलाई को ये जो दो गाड़ियाँ हैं डार्क एडिशन में लॉन्च हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एक्सटीरियर जो होगा वो ऑल ब्लैक होगा, इंटीरियर जो होगा वो ऑल ब्लैक होगा। तो बस यही सब कुछ चेंजेस होने वाले, बाकी प्राइसेस के बारे में आपको वेट करना पड़ेगा लॉन्च तक का। अगली न्यूज़ जो है वो है होंडा वालों की तरफ से। होंडा की जो X7X ये कॉन्सेप्ट वर्जन जो है उसकी डिज़ाइन जो है वो लीक हो चुकी है। और मैंने बहुत टाइम पहले बताया था ऑटो न्यूज़ के अंदर कि ये जो है वो रिवील हो चुकी है, ऑफिशियली टीज हो चुकी है और अभी इसकी डिज़ाइन जो है वो भी रिवील हो चुकी है। तो आपको इसके बारे में अगर जानना है तो 2022 तक वेट करना पड़ेगा, सो वेट कर लो। अगली जो न्यूज़ है वो है BMW की तरफ से। BMW के M5 कॉम्पिटिशन जो है ये लॉन्च हो चुकी है फाइनली और ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग कार है और स्पोर्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 1.62 करोड़ रखी गई है और इसमें स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो स्पेसिफिकेशन 4.4 लीटर वाला आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें 625 BHP की पावर, 750 Nm ऑफ टॉर्क और 8-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्टेप्ट्रॉनिक वाला वो मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है और स्पोर्टी, मतलब मज़ा ही आ गया इसको देख के, क्या कलर है इसका। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और खुशी वाली है क्योंकि जो गुजरात सरकार है उन्होंने टेस्ला वालों को ऑफर किया है 1000 acres ऑफ लैंड, क्योंकि टेस्ला वालों को गुजरात सरकार कह रही है कि आप यहाँ पे आके अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे आप फैक्ट्री बनाओ। वैसे सच है और टेस्ला के लिए देखें तो प्रॉफिट वाला है, एक प्लस पॉइंट है
क्योंकि कर्नाटक से गुजरात जो है वो सस्ता पड़ेगा इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि हाल ही में आपको पता ही होगा कि फेम टू जो है उसमें एक एडिशनल स्कीम जो है वो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स डिक्लेयर किया है, और उसकी वजह से उनको एक प्रॉफिट और प्लस पॉइंट मिलेगा टेस्ला वालों को। देखते हैं अभी महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका और गुजरात सरकार ये सारे जो है वो कंपटीशन में चल रहे हैं कि टेस्ला वाले कहाँ पे अपना प्लांट करेंगे। और दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो सी एफ मोटो की तरफ से, सी एफ मोटो की जो 650 सीरीज़ में NK, फिर MT और GT ये तीनों बाइक्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और जो बेस वेरिएंट है NK उसकी प्राइसेस रखी गई है 4.29 लाख रुपीज़, और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइसेस रखी गई है 5.59 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे 650 सीरीज है तो इतनी तो प्राइसेस होनी ही थी। तो आज की जो आखिरी न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि होंडा की एक बाइक है गोल्ड विंग टूरर करके, और ये कुछ 38 लाख रुपए की बाइक है, 150 यूनिट्स थे, 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुई थी, पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है, मतलब 38 लाख रुपीज़ की बाइक। ठीक है, बेचो हमें क्या, मतलब कोई सब नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों अभी ये सब कुछ बंद करते हैं, यहाँ पे हमारी न्यूज़ जो है वो ख़त्म होती है। आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, और ट्विटर पे भी कर लो, मैं ट्विटर पे भी इनएक्टिव रहता हूँ बट कभी कभार आके थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी कर लेता हूँ, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो वीडियो है अपकमिंग सरप्राइज वाला वो अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे चेकआउट करो, मैंने स्टोरी डाल दी है यार क्या है कौन सी गाड़ी वो आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो बस दोस्तों आपको कल जो है वो 3 वीडियोस मिलने वाले हैं, कम से कम 2 होगी, एक सेल्स फिगर वाला वीडियो होगा और एक इलेक्ट्रिक कार वाला वीडियो होगा, तो उसके लिए वेट ज़रूर कीजिए। बस अभी यहाँ पे मेरा बोलने का ख़त्म होता है, हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक ले सिया।